सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं अपने मन की सुनिए। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील हैं। यह लाइफ हमेशा एक मौका जरूर देती है। सरल शब्दों में इसे कल कहते हैं। आज का पंचांग 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:16 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 2:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:12 से 1:43 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:44 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मकर राशि 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार, अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं और नए कनेक्शन भी बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने का मजले आपका आकर्षण इस समय चरम सीमा पर है। आपके माता पिता को अभी आपके ध्यान या कंफर्ट की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें, जोखिम लेने में झिझक न करें। और याद रखें कि जब तक आपकी नजर मैदान पर नहीं रहेगी तब तक आप नई ऊंचाइयों की खोज नहीं कर सकती। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में उचित सामंजस्य रहेगा और आपकी बेहतरीन कार्य प्रणाली की वजह से अधिकतर काम नियत समय पर सम्पन्न होते जाएंगे तथा कार्यों में गति आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, नए खर्चे बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पैसों से जुड़ी बातों में लापरवाही न करें। काम स्वीकार करने से पहले फायदे और नुकसान के बारे में विचार करें। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें, तभी नए काम की शुरुआत हो सकती है। कमाई सीमित रहेगी, कमाई बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। यदि कोई निर्णय अभी लेना नहीं है तो चिंता भी न करें। सावधानियां, नकारात्मक विचारों को हावी न होने दे वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। पैसों के लेन देन को लेकर आपसी संबंधों को खराब ना करें। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। मानसिक शांति और सुकून के लिए आध्यात्मिक और मेडिटेशन अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय भाग्य आपके साथ है, इसीलिए आपको सफलता के साथ साथ नई पहचान भी मिलेगी। आपका साथी आपके आकर्षण और करिश्मे का दीवाना है। किसी क्लब या समूह का हिस्सा बनकर नए दोस्त बनाएं। चोरी से बचने के लिए सफर के दौरान सामान का ध्यान रखें। आज आपको प्यार के मौके अपने कार्यस्थल, पार्टी या किसी अन्य अवसर के माध्यम से मिल सकते हैं। अपने कुल रवैये और आकर्षण का प्रयोग करके अपने साथी को हमेशा अपने करीब रखें। अपने पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसीलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने न दें। बात करती हैं करियर की। आज समय है अपने लक को आजमाने और परिणामों का मजा लेने का। किसी क्लब में शामिल होना आपको लोगों के करीब लाएगा। समूह के प्रति वफादार रहने से न केवल समूह के अन्य सदस्य प्रेरित होते हैं बल्कि लक्ष्य प्राप्ति में भी सहयोग मिलता है। घरेलू मुसीबतों के लिए सचेत रहें, आपका बिजनेस आज पूरी तरह से संतोषजनक है। काम के प्रति अपने लक्ष्य को फिर से निर्धारित करें, इससे आपको फायदा होगा। पुराने विचार आपको निराश नहीं करेंगे किंतु नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी यह समय अच्छा है। जोखिम लेने से पीछे न हटें क्योंकि जब तक आप जमीन पर रहेंगे तब तक ऊंचाइयां नहीं छू सकते। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मन मुताबिक तरीके से भी जरूर व्यतीत करें। गले की खराश और खांसी भी बढ़ेगी, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक और खीर का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।